वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनका वो काइंडली वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। तो जी आज मैंने रोल बनाना स्टार्ट किए हैं और मुझे आ गई है रमज़ान की याद। कितना अच्छा वो दिन थे, कितने अच्छे और ख़ूबसूरत से दिन थे, और जब हम ये रमज़ान की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी से बना रहे होते थे ना ऐसी चीज़ें, रोल, समोसे, इस तरह की चीज़ें हम लोग घर में बना रहे होते थे। तो आज मैंने ना इसलिए रात ये मैं इम्तियाज़ से ही पट्टी रोल पट्टी लेके आई थी क्योंकि घर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो अजीब सा ही फील होता है, और शामी कबाब, रोल, समोसे ये तो घर में होने चाहिए। जैसे गेस्ट आ जाएँ तो फ़ौरन बंदा बना के, तो चाय वगैरह के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक साथ दे दी, साथ में केचप वगैरह डाल के तो रख देते हैं। सिर्फ ये होता है कि मेहमानों को सर्व कर देते हैं ना जल्दी जल्दी से। घर में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और जब ये ख़त्म हो जाए ना तो फिर अजीब सा ही लगता है। और वैसे भी ख़ुद भी चाय के साथ बंदा शाम में चाय के साथ ऐसी चीज़ ना कोई मिले तो अजीब सा ही लगता है, कुछ ना कुछ खाने को हो तो दिल खुश हो जाता है। तो जी ये मैं बना रही हूँ रोल और ये मैं बना के आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने ये रोल बना के इसको शॉपर में डाल के तो मैंने रख दिया, फ्रीज कर दिया। और यहाँ पे ये जी जो मसाला बचा था इसमें तो फिर वो मैंने यहाँ पे डिब्बे में डाल के रख दिया है, और अभी रोल पट्टी और लेके आऊँगी तो फिर ये सारे रोल बना के फ्रीज करके रख दूँगी और खूब इंजॉय किया करेंगे शाम में चाय के साथ। और जब कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी चाय के साथ जल्दी जल्दी से बंदा फ्राई कर देता है। और जी अभी है दोपहर का टाइम और मुझे भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं ना ऑमलेट बना लेती हूँ, आलू वाला, आलू प्याज डाल के और फिर अंडे डाल के इसमें बनाऊँगी मैं ऑमलेट जल्दी से। तो ये मैं बनाती हूँ और इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि अदीना क्या कर रही है। यहाँ पे जी बनाना है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बनाना ऐसे एक निकाला खा लिया, और अदीना जो है बनाना काटती है, काट के ऊपर चाट मसाला डाल के फिर खाती है। अदीना आपको ऐसे अच्छा लगता है? यस। चलिए जी खाओ फिर, एंजॉय करो आप। और यहाँ पे जी धूप, ये देखिए सूरज सामने, बहुत कड़क सी धूप निकली हुई है, और ये देखें जी बाहर का मौसम। चलें जी मैं जल्दी से हंडिया बना लूं और फिर बच्चों को खाना दे के फिर मिलते हैं। और ये है जी छोटी सी पार्टी अदीना की, बर्थडे थोड़ी सी डिले हो चुकी थी और इसकी खाला ने तो एक दफ़ा बर्थडे इसकी कर दी थी, लेकिन जी घर में इसने बर्थडे ज़रूर करनी थी तो ये इसकी फरमाइश पे हम लोग फिर इसके लिए छोटा सा ये छोटी सी पार्टी है, सॉरी छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। खाना है, केक है इनके लिए, और जी फ्रूट चाट जो इस जो जो अदीना को पसंद था वो आज जी इसकी फरमाइश पे आया है और इसकी हो रही है जी बर्थडे।